गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का विषय गणित और चैप्टर वन नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो है अध्ययन कर रहे थे, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्यूब यानी किसी संख्या का जो है घन कैसे निकालते। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि किसी संख्या का घन कैसे निकालते। तो पहली बार कभी भी अगर हमें घन निकालना रहता है तो हमें इसका बात घन का नाम सुनते ही क्या याद आना चाहिए, थ्री। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हमें घन, नहीं यानी उसका पावर क्या होगा, तीन होगा। जैसे अगर प्रश्न आ जाए कि पांच का घन बताइए, पांच का घन क्या होगा, तो पांच का घन का मतलब क्या है कि पांच का पावर तीन। अब पांच का पावर तीन मतलब 5 × 5 × 5 तो कितना हो जाएगा, चाह 25। अब 25 में 5 से गुणा करेंगे तो 125। इसी प्रकार अगर 3 का घन निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 का घन निकालना होगा तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 3 × 3 × 3 क्या होगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ठीक है, तो इसी प्रकार मान लेते हैं 4 का घन निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4 का पावर कितना हो जाएगा, 3। चार का पावर तीन का मतलब क्या है, 4 × 4 × 4। अब देखिए 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं, यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न दे रहा हूं सभी बच्चों को, इसे हल करना। क्वेश्चन नंबर रिकॉल क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि 7 का घन क्या होगा। आप पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन। तो आराम से सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सात का घन निकालना है, जिस भी संख्या का घन निकालना रहता है उसका पावर कितना कर देते हैं, तीन कर देते हैं। जिसका पावर तीन होता है मतलब उसको इतना बार गुणा करना रहता मैं मेरी पनीर की सब्जी खिला। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का गलत उत्तर आया है, बाकी सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 7 का घन निकालना है, तो 7 का घन निकालना है तो पावर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और 7 का पावर तीन है मतलब 7 को 3 बार गुणा करना है, 7 × 7। अब इसे सॉल्व करते हैं, 7 × 7 कितना होता है, 49। अब 49 में कितने से गुणा करना है, 7 से गुणा करते हैं, 9 × 7 = 63 का 3, हाथ बचा 6, 7 × 4 = 28 और 28 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। यानी आंसर कितना हो जाएगा, 343। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 343। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक
ठीक है, तो क्यूब रूट को समझने से पहले दो तीन बातें समझ लीजिएगा ध्यान से। सभी बच्चे माइक म्यूट रखेंगे, फूलचंद नाम से जो बच्चा है प्लीज माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। चलिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं सात का घन क्या होगा, सात का घन क्या होगा, तो आप कहेंगे सात का पावर तीन, सात का पावर तीन मतलब सेवन गुने सेवन गुने सेवन। ठीक है, तो अभी अभी आपने सेवन गुने सेवन निकाला था कितना आता है, यहाँ पे अभी अभी निकाला था कितना आया था 343, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 343। अब देखिए ये जो 343 आया ना, अब इसका अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका घनमूल कितना होगा, तो 343 का घनमूल हो जाएगा सेवन, यानी कि घनमूल का चिन्ह क्या है, ये घनमूल का चिन्ह है। अगर ऐसे आपको आ जाए 343, इसका आपको घनमूल निकालना है, क्यूब रूट्स निकालना है, यानी कि आपको इसको तीन पेयर में गुणा करके किस संख्या को लिख सकते हैं, तो आप इसे तीन के पेयर में गुणा करके सेवन गुणे सेवन लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, सेवन इसका घनमूल आ जाएगा। यानी जैसे वर्गमूल में हम दो का पेयर लगाते थे, तो घनमूल में हम तीन का पेयर लगाते, तो घनमूल क्या हो गया, घनमूल क्या हो गया, तो यही चीज लिखा गया है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे सात का घन करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, 343, तो घनमूल क्या हो गया, 343 का जो मूल संख्या है यानी सात जो है इसका घनमूल हो गया। बात समझ में आया, तो ये चीजें हैं घनमूल। तो किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, देखिए अंडर रूट के अंदर में क्या रहता है, एक छोटा सा तीन लिखा रहता है, ये घनमूल का चिन्ह है। ठीक है, अब जैसे 125 का निकालना है, तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, तो इसमें तीन का पेयर बनाते हैं, तो तीन का पेयर 1 5 बाहर आ जाएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 125 का घनमूल हो गया 5। इसी प्रकार अगर बात करेंगे 64 के घनमूल का, ठीक है 64 का घनमूल क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 गुने 4, तो तीन का पेयर बनाएंगे तो 1 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, 64 का घनमूल हो जाएगा। ये सभी बच्चों को क्लियर है, तो कुछ चीजों के तो घनमूल आपको याद रहते हैं तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें आपको याद नहीं रहते, तो उसे आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, निकालना जो है आपको आना चाहिए, तो अब उसी को अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। तो घनमूल का मतलब समझ गए, अब देखिए घनमूल और घन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है, यानी कि सात का क्यूब करेंगे, पावर तीन करेंगे, तो 343 आएगा, तो 343 क्या हो गया, सात का घन हो गया, और 343 का घनमूल क्या हो गया, सात हो गया, यानी बिना पावर का सात हो गया। तो यही बात यहां पे लिखा गया है कि घनमूल और घन जो है एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम घनमूल निकालना सीखेंगे, जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं वैसे ही घनमूल निकालते हैं, थोड़ा सा का अंतर है, जैसे देखिए दोनों चीज में एक साथ बता देता हूं, जैसे आपको 64 का, ठीक है आपको वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के में मैंने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 64 को पहले देखेंगे किसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो निकालिए अभाज्य गुणनखंड, दो से जाएगा ये 32 दुनी 64, फिर से दो से जाएगा 16 दुनी 32, फिर से दो से जाएगा 2 8 16, फिर से दो से जाएगा 2 4 8, फिर से दो से जाएगा 2 2 4, फिर से दो से जाएगा 2 1 2, तो 64 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है इसमें दो दो का पेयर लगाते हैं, 1 2 3, दो दो का पेयर लगाएंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8, तो आंसर आ गया 8, यानी कि अगर 64 का वर्गमूल आएगा तो 8 आएगा। लेकिन अब हम 64 का घनमूल निकालते हैं, 64 का घनमूल निकालते हैं, तो अब 3 3 का पेयर निकालेंगे, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड तो यही आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब इसमें 3 3 का पेयर लगता है, 1 2, तो 3 3 का पेयर लगेगा, तो 2 गुने में 2, अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 64 का घनमूल कितना हो गया, 4, जबकि वर्गमूल कितना हो गया, 8।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि घनमूल और वर्गमूल में क्या अंतर है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? एक ही बार वाई टाइप करना है बाबू, एक ही बार वाई टाइप करना, सिर्फ एक बार ही। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं वर्गमूल में दो का पेयर बनाते हैं, घनमूल में तीन का पेयर बनाते हैं। तरीका वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि जो आपने वर्गमूल में सीखा था। चलिए, तो अब एक प्रश्न का, जैसे 216 का आपको निकालना है कि 216 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो सॉरी घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? निकालिए तो सभी बच्चे, 216 का घनमूल निकालिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है 216 का घनमूल निकाल। सभी बच्चे निकालिए तो 216 का घनमूल। किशन कुमार एक बार और बता दो। ठीक है, मैं अभी दोबारा बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं दोबारा बताऊंगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, 216 का घनमूल निकालना है। तीन तीन का पेयर लगाते हैं। चलिए पहले 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, किससे जाएगा? दो से जाएगा, दो एकम दो, दो अठे 16। ठीक है, अब फिर दो से जाएगा, दो पंचे 10, दो चौका 8, फिर से दो से जाएगा, दो दिन 7, 7 दुने 14, फिर से तीन से जाएगा, तीन नवा 27, और फिर तीन त्रिका 9, और तीन एकम 3। तो ये हो गया आपका 216 का अभाज्य गुणनखंड। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 216 को अभाज्य गुणनखंड में? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। यहाँ पे तीन तीन का पेयर बनता है, तीन तीन का पेयर बनाइए, 1 2, तो 2 × 3 यानी कि 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, तो 216 का घनमूल कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है सभी बच्चों को? एक ही बार सौरव राजपूत नाम से जो बच्चा है, ठीक है, आप एक ही बार 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 आंसर कर रहे हो, एक ही बार आंसर करना है। क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक बार ही आंसर को टिक आउट करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक और प्रश्न कीजिए सभी बच्चे। अब आपको घनमूल निकालना है 512 का, निकालिए तो सभी बच्चे, 512 का घनमूल निकालिए। सभी बच्चे एक बार ही करना है, एक बार ही, बार बार नहीं करना है, एक बार। वेरी गुड, तो 512 को निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड पहले। ठीक है, देखिए किससे जाएगा? दो से जाएगा, किससे जाएगा? दो से जाएगा। देखिए तो 2 × 2 = 4, हाथ मचाए 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, फिर से 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर से 2 से जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर से 2 से जाएगा 16, फिर से 2 से जाएगा 2 × 8 = 16, फिर से 2 से जाएगा 2 × 4 = 8, फिर से 2 से जाएगा 2 × 2 = 4, और फिर से 2 जाएगा 2 × 1 = 2। तो यानी कि अंडर रूट में कितना आएगा इसका? 512 का 3 × 3 = 6 × 3 = 9 होगा, 9 बार 2 को गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं, 3 × 3 = 6 × 3 = 9, 3 का जोड़ा बनाइए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और 1 ये हो गया। चलिए तो 1 2 यहां से बाहर आया गुणे, 1 2 यहां से बाहर आया गुणे, फिर 1 2 यहां से बाहर आया गुणे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 512 का घनमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है।
एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, 343 का घनमूल क्या होगा? पोल सेक्शन में आंसर करना है, 343 का आंसर क्या होगा? पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, 343 का घनमूल क्या होगा, निकालिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 343 का घनमूल क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड। जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये किससे जाएगा भाग? तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 4 तो अभाज्य संख्या ही नहीं, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 5 से जाएगा नहीं, तो ये जाएगा किससे? 7 से जाएगा। तो इसमें पहले 7 से ले जाते हैं, तो 7 चौका 28 और 9 सत्ते 63, ठीक है, तो 49 हो गया, फिर 7 सत्ते 49 हो गया, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं करनी के अंदर, 7 गुने 7 गुने में 7, और 3 का पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा, बाहर आएगा 7, तो आंसर क्या हो गया, 7, यानी 343 का वर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी 7। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7, ठीक है। तो ये था घनमूल जो कि आप लोगों ने निकालना सीख लिया, ठीक है। राकेश नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है आपको। राकेश नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए क्या डाउट है, स्टार्टिंग से समझा दो। तो पूरे 20 मिनट का क्लास हो चुका है, अब 20 मिनट की क्लास दोबारा से नहीं बताई जा सकती है, तो आप क्या करो कि इसका रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, मैं फिर भी इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ, लेकिन पूरी चीज आप कहिएगा कि 20 मिनट में जो क्लास में पढ़ाया हूँ उसको बता दूं, तो वो नहीं बता सकता, उसका आप रिकॉर्डिंग देख लेना, इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे 343 का आपको घनमूल निकालना, तो हम चेक करेंगे कि कौन सी वो अभाज्य संख्या है जिससे 343 पूरा पूरा कटेगा, तो 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 तो अभाज्य संख्या ही नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 अभाज्य संख्या है नहीं, तो बचा 7, तो 7 से इसमें भाग लगेगा, यानी 7 से ये कटेगा, कटाइए तो 7 से कितना बार भाग लगेगा, 7 चौका 28, लास्ट में यह बचेगा 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, 6 और 3 63 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63 होता है, तो यानी 7 से 49 बार में कट गया 343,
अब 49 किससे भाग लगेगा, तो 7 से पूरा पूरा भाग लगता है, तो 7 × 7 = 49, और 7 में खुद किससे भाग लगता है, तो 7 से, तो 7 × 4 = 4, यानी 343 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया, 7 × 7 × 7 आया, यानी कि जब अगर हम इसका अगर घनमूल निकालते हैं 343 का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं। इसमें जब भी घनमूल निकालते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं, तो 7 7 7 3 का पेयर लग गया तो 1 7 बाहर आ जाएगा, और यही जो 7 आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें 3 का पेयर लगता है, जो ये माइक ऑन करके अनावश्यक क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को क्लास से बाहर कर दूंगा, यहाँ पे इशारा नहीं करना है कैमरा ऑन करके। अमन नाम से जो बच्चा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, चलिए मैं आप लोगों का कैमरा बंद कर रहा हूं, क्लियर है सभी बच्चों को, चलिए वेरी गुड। तो ये था हमारा घनमूल कैसे निकालते हैं, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी घातांकों का नियम। अब ये घातांकों का नियम का क्या मतलब है, जैसे मैंने आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाया था घातांक और घात क्या होता है, जैसे मैंने कहा था ये 4 है, इसके पावर में अगर कुछ लिखा है, यानी घात इसका 2 है, यहाँ पे मैं लिख दूं 7, और इसके पावर में अगर 3 लिखा है तो इसका घात कितना है, 3 है, तो इसको पावर भी पढ़ते हैं और घात भी कहते हैं हिंदी में। अब जैसे x है और इसके पावर क्या है, 4 है, तो ये 4 का पावर 2 है, या 7 का पावर 3 है, या x का पावर 4 है, तो ये घातांक है। ठीक है, तो अब इसी घातांकों का नियम देखना है कि इनको कैसे घातांकों वाले संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, कैसे, यही हमें सीखना है। तो घातांकों का पहला नियम जो है, एक ही आधार वाली घातों का गुणा, यानी अगर हमें गुणा करना है लेकिन उनका घात दोनों का क्या हो, एक ही आधार हो, घात अलग अलग हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, ठीक है, ये आधार है, इसका पावर 3 है, इसमें गुणा करना है, फिर कोई एक आधार है लेकिन आधार सेम है, क्या लिखा गया है, एक ही आधार, यानी आधार सेम है, यानी यहाँ पे भी आधार क्या है, 5 है, लेकिन पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ मान लेते हैं पावर 2 है। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि आधार सेम हो, देखिए यहाँ पे आधार क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है, और इनको गुणा करना होगा, तो ऐसे प्रश्नों में नियम क्या कहता है कि जो आधार होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो आधार 5 है तो 5 को कॉमन ले लिए। ठीक है, अब इनका पावर जो है जुड़ जाता है, यानी 3+ क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 का पावर जो है 5 हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी जब कभी भी एक ही आधार वाली घातों का गुणन करना होता है तो हम आधार को कॉमन ले लेते हैं और पावर जो है जोड़ देते हैं। जैसे अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे देखिए आधार क्या है, ए है, और यहाँ पे भी आधार क्या है, ए है, और पावर में क्या है, एक में m है दूसरे में n है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यही लिखा गया है, आधार जो है कॉमन हो गया, अब पावर जो है जुड़ गया। तो इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए 7 का पावर 3 × 7 का पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लिखिए, तो आंसर को लिखना है, आंसर को लिखिए, तो क्या होगा सभी बच्चे, पावर जुड़ जाता है, आधार वही रहता है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए एक बार, मैं दोबारा से बताता हूं, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे आधार सेम था, ए ए था, तो ए को कॉमन ले लिए, और पावर दोनों क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, एम प्लस एम, तो यहाँ पे भी आधार दोनों का क्या है, सेम है, तो आधार एक हो जाएगा, अब पावर जुड़ जाएगा, तो 3+ में क्या हो जाएगा, 4, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7, यानी 7 का पावर 7 जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, अभी क्लियर है सभी बच्चों को, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ए के पावर एम और ए के पावर एम, यानी आधार देखिए दोनों का क्या है, सेम है, तो आधार को कॉमन ले लेंगे,
अब पावर दोनों का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी m और n अलग अलग पावर है तो अलग अलग पावर यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया। तो एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे उसका आंसर जो है चैट सेक्शन में लिखेंगे। जैसे 9 का पावर जो है यहाँ पे 3 है, ठीक है, 9 का पावर क्या है 3 है, अब गुणा करना है, यहाँ पे भी 9 का पावर जो है 4 है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एकदम आसान है, तो यहाँ पे आधार दोनों का क्या है सेम है, तो 9 कॉमन ले लेंगे और ये पावर जो है दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 + 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का पावर 7 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं पे किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। 2 का पावर 2 है और गुणा करना है 2 का पावर 3 है, तो आंसर क्या आएगा? चलिए प्रश्न संख्या 1 का आंसर कीजिए तो चैट सेक्शन में सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए तो यहाँ पे आधार दोनों का जो है क्या है, कॉमन है, 2 है, तो 2 ले लेंगे आधार। अब पावर दोनों का जुड़ जाएगा तो 2 + में क्या हो जाएगा, पावर 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, तो उत्तर हो गया 2 का पावर 5। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए तो 9 का पावर 2 है और यहाँ पे 9 का पावर 5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए 9 का पावर 2 है और यहां पे 9 की पावर 5 है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे और यहां पे पावर 2 आप प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, 9 का पावर 7। क्लियर है ना? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट होगा तो बताइएगा। क्लियर है? एकदम आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दोनों का उत्तर एकदम सही है, 9 का पावर 7, 2 के पावर 5। अब देखिए, अब एक ही आधार पे घातों का अगर विभाजन हो जाए, यानी पहले क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था, यहाँ पे देखिए पहले क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था, अगर अब भाग हो जाए, यहीं पे समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यानी a का पावर a में ही रहे लेकिन अब जो है भाग हो जाए, a का पावर n हो जाए, यानी पहले क्या था, गुणा था, अब जो है भाग है, तो अब क्या होता है कि पावर जो है घट जाता है, आधार वही रहेगा, पावर घट जाएगा, यानी a अब पावर जो है m माइनस n हो जाता है, पहले जोड़ रहे थे, यहाँ पे m प्लस n हो रहा था, अब m माइनस n हो जाता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर 7 का पावर 8 है, इसमें भाग देना है 7 के पावर 3 से, तो क्या होगा, 7 का पावर 8 माइनस में क्या हो जाएगा, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का पावर 5। समझ में आया? तो जब गुणा रहता है तो जोड़ देते हैं, और जब घट भाग रहता है तो घटा देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, यानी कि अगर घात आधार दोनों का क्या है सेम है AA, लेकिन इनका पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे पावर जो है घट जाता है अगर आधार सेम रहता है और इनको भाग देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे 7 का पावर 7 है, इसमें भाग देना है 7 के पावर 3 से, तो बताइएगा इसका उत्तर क्या आएगा, सभी बच्चे बताइए, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 7 का पावर 7 है, भाग देना है 7 के पावर 3 से, तो उत्तर क्या आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड,
वेरी गुड वेरी गुड। देखिए क्या हो जाएगा, सात कमर हो जाएगा, पावर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो सात का पावर कितना हो जाएगा, चार जो है उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल है, सात का पावर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार आ जाएगा। ठीक है, सात का पावर क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा। इसका उत्तर बताइए, नाइन का पावर चार है भागे नाइन के पावर तीन है, इसका उत्तर क्या आएगा, नाइन का पावर तीन, नाइन का पावर चार है भागे नाइन का पावर तीन है, उत्तर क्या आएगा, नाइन आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि पावर वन हम लिखते नहीं है, पावर वन जो है हम लिखते नहीं है, तो नाइन का पावर फोर माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, क्योंकि पावर वन तो हम लिखते नहीं है, क्योंकि चार का भी पावर वन है, पांच का भी पावर वन है, तो यहाँ पे नौ का पावर भी क्या है, वन, तो इसको लिखेंगे नहीं, सीधे आंसर हो जाएगा नाइन। ठीक है, अब एक पोल में क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को उसका आंसर करना है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, बताइए आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर, ए बी सी डी कौन सा आंसर आएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से सॉल्व कीजिए। चलिए ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 5 का पावर 2 है और यहाँ पे 5 का पावर 3 है, दोनों क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 5 का पावर यहाँ पे 2 प्लस में क्या हो जाएगा 3, अब भागा है तो भागा, 5 का पावर है 3, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, भागा 5 का पावर क्या है 3 है, अब यहाँ पे भाग हो रहा है और पावर क्या है अलग अलग है, आधार जो है सेम है, तो आधार कॉमन ले लेंगे, अब पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 5 माइनस 3 तो आंसर क्या आएगा 5 का पावर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर है ना सभी बच्चों को, अगर डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से, पहले ऑप्शन दे देता हूं, क्वेश्चन देखिए, चलिए आंसर बताइए इसका क्या आएगा सॉल्व करके, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणा में है तो पावर इसका क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो सात का पावर पांच चार कितना हो जाएगा नौ, भागे सात का पावर कितना है पांच, अब यहाँ पे भाग हो रहा है आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो नौ में से पांच घटेगा तो कितना आएगा सात का पावर चार जो है उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो गया, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सभी बच्ची को, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसे, किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा, क्लियर है ना, वेरी गुड। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अब देखिए एक ही आधार वाली घातों का विभाजन,
जो आपने अभी भी किया था, जो कि आप लोग सीख चुके हैं। अब देखिए धातु का अगर घात आ जाए तो क्या करते हैं, यानी ऐसे आ जाए 7 का पावर 3 और इसी का पावर अगर 4 आ जाए तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यानी कि अगर हम ऐसे लिख दें a का पावर है 4 और फिर इसी का पावर आ जाए 3 तो हम क्या करते हैं। ठीक है, ये 3 4 की जगह पे 1 मिनट m और n लिख दीजिए, यानी a का पावर है m और उसी का द पावर है n। तो ये फॉर्मूला कहता है कि a का पावर m इंटू n हो जाता है, m इंटू n हो जाता है, यानी कि यहाँ पे a का पावर था m और फिर उसी का पावर था n। तो नियम कहता है कि a का पावर m इंटू n हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 7 का पावर 3 और उसी का द होल पावर है 4, तो यहाँ पे 7 और पावर का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 3 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7 का पावर 12। क्लियर है सभी बच्चों को, 7 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, आसान है एकदम। देखिए जैसे प्रश्न आ जाए इस तरीके से, 7 का पावर 4 और द होल पावर में है 4 गुना 7 का पावर हो जाए 3, ठीक है, अब भागे आ जाए 7 का पावर 2, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए तो क्या आएगा सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इसे कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। गलत जवाब सौरव राजपूत, गलत जवाब, जल्दी जल्दी नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिए। गलत जवाब आ रहा है सभी बच्चों का, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम से कीजिए, एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दी जल्दी करेंगे तो गलत होगा, आराम से कीजिए। देखिए पहली बात को हम इसे पावर वाले को सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये 7 की पावर 4 है, उसके ऊपर 4 है, यानी 7 का पावर 4 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 4 से, ठीक है, और फिर गुणे 7 की पावर 3 है, ब्रैकेट बंद, और फिर भागा 7 की पावर 2 है। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 7 का पावर कितना हो जाएगा, 4 × 16 गुणे 7 का पावर कितना हो गया, 3 भागे 7 के पावर 2। अब इसको अगर हम और सॉल्व करें, देखिए अब इसे और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए गुणा हो रहा है और आधार जो है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 7 का पावर 16 प्लस क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, भागे 7 का पावर 2। अब यहाँ पे अगर आधार पावर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 का पावर 19 हो जाएगा, इसमें भाग देना है 7 के पावर 2। अब बताइएगा भाग हो रहा है और आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 7 का पावर 19 माइनस में क्या करेंगे 2, तो आंसर क्या आएगा, 7 का पावर 17, ये आपका उत्तर होगा 7 का पावर 17। क्लियर है सभी बच्चों को, सही था, चलिए वेरी गुड, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। चलिए अब एक थोड़ा सा और मुश्किल सवाल देता हूं, ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, पहले मैं ऑप्शन दे देता हूं फिर क्वेश्चन दूंगा। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन है, चलिए आंसर बताइए तो सभी बच्चे इसका क्या आएगा, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए।
वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आए। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे पावर जो है पहले गुणा हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। देखिए तीन का पावर तीन है और इसके पावर तीन है, तो यहाँ पे तीन गुणे तीन हो जाएगा, ठीक है, गुणे तीन का पावर चार है, ठीक है, भागे तीन का पावर आठ है। अब देखिए तीन का पावर तीन, तीन में गुणा होगा तो तीन का पावर यहाँ पे नौ हो जाएगा, गुणे तीन के पावर चार है, भागे तीन का पावर कितना है आठ है। अब देखिए यहाँ पे गुणा हो रहा है, आधार सेम है पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो नाइन प्लस फोर, ठीक है, भागे तीन का पावर आठ, नौ में चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तीन का पावर तेरह, अब भागे तीन का पावर आठ, अब यहाँ पे भाग हो रहा है और आधार सेम है तो पावर क्या होगा घट जाएगा, तो तेरह माइनस आठ कितना हो जाएगा तेरह तीन का पावर पांच, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो आंसर बताइएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब चलिए एक इससे भी मुश्किल सवाल आप लोगों को दे रहा हूं, आराम से उसे हल करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, x का पावर फोर भागे गुणे x का पावर टू भागे x का पावर थ्री, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, चलिए देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार में तीन से गुणा करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, x की पावर 12 गुणे x की पावर 2 है, ठीक है, फिर भागे x की पावर 3, अब यहाँ पे देखिए गुणा हो रहा है और आधार जो है सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, x की पावर 14 भागे x की पावर 3, अब देखिए यहाँ पे भाग हो रहा है आधार सेम है पावर अलग अलग है तो क्या करेंगे पावर घट जाएगा 14 माइनस 3 तो कितना आंसर हो जाएगा x का पावर 11। क्लियर है सभी बच्चों को, x की पावर 11 जो कि सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया। अब चलिए अब इससे भी मजेदार क्वेश्चन कीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बना पा रहे हैं, ठीक है, 2 का पावर 3 इसका पावर है 4 गुणे 2 का पावर है 3, ठीक है, अब ब्रैकेट बंद भागा है 2 का पावर 2, ध्यान से देखिएगा सॉल्व करना है आराम से, यहां पे 2 मत कीजिए यहां पे 5 कीजिए, 6 कीजिए, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देखिएगा तभी आंसर निकल के आएगा, ठीक है, आंसर कीजिए। आसान है, अब आप लोग इस पे क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाए, अब क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ा देता हूं। देखिए चार का पावर है यहाँ पे 2, ठीक है, गुणे 2 का पावर है यहाँ पे 2 और भागे 2 का पावर है यहाँ पे 2। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, अब ये लेवल आप लोगों का बढ़ गया है। अब सॉल्व कीजिए, अब लेवल को बढ़ा दिया, सबका गाड़ी रुक गया। गलत जवाब। अब आप लोग का लेवल रुका है, आसान सवाल कितना तेजी में कर रहे थे ना आप लोग, कोई नहीं, अच्छी बात है, अब इसे कीजिए सभी बच्चे। देखिए अब यहीं पे आपको चीजों को सीखना है, कैसे सीखना है तो ध्यान से देखिए, ये जो चार है हम क्या चार को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं,
चार को क्या हम दो की पावर दो में लिख सकते हैं ना, तो दो की पावर दो इसका पावर फिर से कर दीजिए दो, तो हो गया चार की पावर दो, यानी इसी चीज को मैंने दो के पावर में बदल दिया, फिर गुना दो का पावर दो, आप भागा है तो भागा, दो का पावर दो यहाँ पे तो लिखा ही गया है, अब इसको मिटा दीजिए, अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने आपको आता है तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो का पावर हो गया यहाँ पे चार गुने दो का पावर क्या हो गया दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भागा दो का पावर दो, अब देखिए पावर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो दो का पावर कितना हो जाएगा छह, भागा दो का पावर दो, अब यहाँ पे आधार सेम है पावर अलग अलग है तो घटेगा, दो का पावर छह माइनस दो बराबर कितना हो जाएगा दो का पावर चार, दो की पावर चार उत्तर हो जाएगा। क्या ये अभी आप लोगों को समझ में आया कैसे किए हम लोगों ने? देखिए कुछ नहीं है, अब आपको थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ा, इसमें सवाल वही था तरीका भी वही था, दोबारा बता दो, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है दोबारा बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं ये चार है तो चार को हम दो की पावर दो भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दो की पावर दो का मतलब भी चार होता है, यानी चार को हम दो की पावर दो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो चार का पावर दो है तो मैंने कहा चार को लिख दो दो का पावर दो, हमने चार को क्या लिख दिया दो का पावर दो, अब इसके पावर में दो लगा दो गुणे, फिर दो का पावर दो है तो दो भागे दो का पावर है तो दो, सेम टू सेम, और इसे सॉल्व करने तो आप लोगों को आता ही है, इसे तो सॉल्व करने आप लोगों को आता ही है, तो इसे सॉल्व कर दीजिए। अब आप लोग देखिए पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो का पावर यहाँ पे हो गया चार गुने दो का पावर यहाँ पे हो गया दो, ठीक है भागे दो का पावर दो, अब यहाँ पे आधार सेम है गुना हो रहा है तो पावर जुड़ जाएगा, तो दो का पावर यहाँ पे सिक्स, अब भागे दो का पावर यहाँ पे टू, अब यहाँ पे भाग हो रहा है आधार सेम है पावर अलग अलग है तो क्या करेंगे पावर को घटा देंगे सिक्स माइनस टू, यानी दो का पावर क्या हो जाएगा फोर उत्तर हो जाएगा। क्या अभी क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? अभी अभी क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन देता हूं और आप सभी बच्चों को आंसर करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा। 64 की पावर है 2 गुने 8 की पावर है 2, इसमें भाग देना है 8 की पावर 1 से, चलिए 8 की पावर 1 मत कीजिए 1 ही रहने 8 ही रहने दीजिए, अब इसे सॉल्व कीजिए, अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए क्या आएगा आंसर, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, ये जो अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हैं बीना कुमारी नाम से, देखिए आप लोग क्लास डिस्टर्ब करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो ऐसा प्लीज मत कीजिए, ऐसा कोई भी बच्चा प्लीज मत कीजिए कि मुझे क्लास से आपको बाहर करना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, थोड़ा ध्यान से कीजिए इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगले सप्ताह से आपकी अगली चैप्टर शुरू होगी, इसमें का सिर्फ एक क्लास और बाकी है, बाकी इसके बाद आपका अगले सप्ताह में नया चैप्टर शुरू होगा दूसरा नंबर चैप्टर, ठीक है चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 64 बराबर होता है 8 की पावर 2, यानी 8 की पावर 2 का मान भी 64 होता है, तो यहाँ पे हम 64 को क्या लिख देंगे 8 का पावर 2 और इसका द होल पावर हो जाएगा 2 गुने 8 की पावर 2, ठीक है अब भागे 8 का पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, अब देखिए यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 का पावर यहाँ पे 4 हो गया गुने 8 की पावर 2 भागे 8 की पावर 1, अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 8 का आधार सेम है पावर अलग अलग है तो पावर जुड़ जाएगा 8 की पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा भागे 8 की पावर 1, अब देखिएगा आधार सेम है पावर अलग अलग है तो यहाँ पे घटेगा तो 8 की पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर 8 की पावर हो जाएगा 5 आपका उत्तर, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना, चल
सभी बच्चों को क्लियर। तो अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। देखिए आज का आपका होमवर्क है, एक सेकेंड, हाँ होमवर्क है आपका पर्सनालिटी 29.2 19.2 और अगला होमवर्क है आपका 30.1 और 30.2। ये तीनों एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, 29.2 और 30.1 और 30.2, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको करके लेके आना है। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ भी पूछना है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।